अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आई होप आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। भाई कल जो आपने व्लॉग देखा है, वो आपने देखा था कि भाई मैंने आपको अपने होटल का रूम का विजिट करवाया था। सो भाई वो तो ख़त्म हो गया था, और उसके बाद जो है आज हम नेक्स्ट मॉर्निंग पे आपको दिखाएंगे कि भाई रात सो गए थे जल्दी, तो अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो दिखाएंगे। उससे पहले व्लॉग का आगाज कर लें। सो वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। तो भाई रात जो है ना वो बड़ी शदीद नींद आ रही थी, इस वजह से हम जो है ना वो सो गए थे। तो हम मिल रहे हैं जी आपसे नेक्स्ट डे, और अभी हम अपने फ्लोर से नीचे जा रहे हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे ब्रेकफास्ट के लिए। तो नाश्ता वाश्ता करते हैं, उसके बाद आज हमारा सफ़र है जी इंशाल्लाह मक्के से मदीने का। और मदीने में दो दिन का स्टे है, आज रात रुकेंगे, कल रात रुकेंगे, और परसों इंशाल्लाह यानी कि 2 फरवरी को हम मदीने से भी जो है वो क्या कहते हैं कूच कर जाएंगे अपने मुल्क पाकिस्तान में इंशाल्लाह। तो अभी आप देखें जी हम जा रहे हैं नीचे नाश्ता करने, मिलते हैं आपसे नाश्ते पे। ये देखिए जी, ये नीचे रिसेप्शन है, और ये हम इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पे हैं और नाश्ते के लिए जा रहे हैं। भाई भाई बहुत ही खूबसूरत होटल बना हुआ है, ये क्या बात है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। अभी हम एंटर होने लगे हैं जी, यहाँ से रूम नंबर बताएंगे, रूम नंबर बता के एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे देखें जी हम एंटर हो चुके हैं पहले नंबर पर, यहाँ पे कहवा और खजूरें, उसके बाद आप अंदर आ जाएं। तो यहाँ पे काफ़ी टेबल्स लगी हुई हैं कि आप कहीं भी बैठ सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या कुछ है। ये देखें कुछ तो ऐसी चीज़ें जिनके मुझे नाम भी नहीं पता, ये सारी सैलड वगैरह ही रखी हुई है। यहाँ पे देखिए फ्रेश सैलड आ गई है, और ये कुछ अरेबिक है। यहाँ पे बिस्किट्स, पफ वगैरह, ब्राउनीज, और देसी तरफ आ जाएं तो यहाँ पे कलेजी बनी हुई है, आज बॉइल्ड राइस है, ये कलेजी है, बीफ कलेजी, और ये पोटैटोज हैं, ये नुमान थे। यहाँ से पराठे वगैरह लिए हैं, और पता नहीं कुछ चाइनीज़ टाइप और अरेबिक टाइप भी है। ये एग है, नहीं ये क्या है, शक्शुका, शक्शुका, हाँ हाँ, ये सूप आ गया, योगर्ट्स, और इस तरफ आ जाएं तो ये जूसेस आ गए हैं, जूसेस, और ये जैम आ गए हैं, जैम, और ये फ्रेश फ्रूट। मैंने जो है रात डिनर बहुत हैवी किया हुआ था, बारबेक्यू, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, और दाल और पुलाव, काफ़ी ज़्यादा डिशेस थे। तो हम मेरा भूख इतनी कोई ख़ास नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार कोई ब्रेड जैम या फिर फ्रूट्स वगैरह ही ले लेते हैं। यहाँ पे वाटरमेलन है, और पीच है, पाइनएप्पल है, तो यही कुछ खा पी लेते हैं ताकि जो है ना भूख भी नहीं लग रही, तो चलो नाश्ता भी हो जाएगा। तो प्लेट पकड़ते हैं जी यहाँ पे, वाटरमेलन का मौसम नहीं है पाकिस्तान में तो, लेकिन यहाँ पे तो देखिए मैं जब से आया हूँ यहाँ पर मैं खा रहा हूँ, और ये है जी पीच। यहाँ पे आ जाएं तो ये है पाइनएप्पल, चलो भाई वन भाई को ढूंढते हैं कहाँ पे। भाई यहाँ पे काफ़ी बड़ा अरेंजमेंट है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी देखिए ये रोटी वगैरह, ब्रेड वगैरह, ब्राउन ब्रेड, प्लेन ब्रेड, और काफ़ी चीज़ें हैं। ये बताएं क्या कुछ है, अपने तो मतलब का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप फ्रेश अंडा बनवा सकते हैं, चीज़ी ऑमलेट और फ्राई अंडा, या कुछ भी आप बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। ये अनुमान भाई मिल गए, हम यहाँ रखते हैं इसकी। तो भाई हम चुके हैं देसी लोग, तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा ये भी टेस्ट कर लें पराठा और सालन, बाकी फ्रूट्स तो हम ले आए हैं।
तो जूस भी ले आए हैं, तो अभी फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। तो भाई नाश्ता वाश्ता करके आपका भाई बिल्कुल फ्री हो चुका है, और जिस तरह हमने आपको बताया आज हम मक्के से मदीने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो अभी हम इंशाल्लाह इस वक्त तकरीबन 9:15 हुए, तो हम इंशाल्लाह तकरीबन 10 बजे यहाँ से होटल से चेकआउट कर जाएंगे इंशाल्लाह, और फिर बाय बस जो है वो हमने टिकट हमारी बुक्ड है, तो वो फिर हम जाएँगे डायरेक्ट मदीने, और मदीने में इंशाल्लाह आज रात का और कल रात का स्टे है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह सीधे अपने मुल्क पाकिस्तान। तो अभी वापस जा रहे हैं, देखते हैं कुछ पैकिंग शैकिंग ओके करते हैं, फिर निकलने वाला काम करना है। लिफ्ट आ गई है जी हमारी, फर्स्ट फ्लोर पे था जी ब्रेकफास्ट बुफे, और 21st फ्लोर पे हमारा रूम है। भाई कभी कभी आपका दिल करे तो आप यहाँ बैठ के भी गपशप कर सकते हैं, ऐसे बैठ जाएं, दूसरा भाई वहाँ बैठ जाएं वो वाली चेयर पे, और आप गपशप कर सकते हैं। हाँ जी, और क्या हाल है, सब ठीक है, खैरियत है? और वरना आप ऐसे करके सीधे अपने रूम में जा सकते हैं, और रूम कार्ड मेरे हाथ में है, ये रहा। चलो भाई रूम खुल गया भाई, ये हम एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे गंद देखे आप भाई ने कितना मचाया है, KFC यहीं पे खा पी के और जनाब यहीं पे फेंक दिया, बिस्तर शिस्तर भी ख़राब पड़े हुए हैं। ये तो मैंने आपको रात ही दिखा दिया था, अब मैंने आपको दिखाना है जी। रात में तो मैंने आपको सारा व्यू दिखाया था अपनी रूम विंडो से, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा मज़ा आने वाला है यार। और हरम शरीफ का भी कुछ नज़ारा दिखाते हैं, क्योंकि फिर तो हमने यहाँ से चले जाना है, तो दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जी, अल्लाह अकबर, ये देखिए, आह क्या बात है, 21st फ्लोर पे इस वक्त हम मौजूद हैं। डर लग रहा है भाई कितनी प्यारी लग रही है नीचे ट्रैफिक जाती है, व्यू कितना प्यारा चेक करें, और यहां से देखें तो आप ये हरम पाक है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें ये हरम पाक के मीनार नजर आ रहे हैं, और ये हरम पाक नजर आ रहा है। आज रश कुछ कम लग रहा है मुझे, ये देखें, वरना ये तो पाँव रखने की जगह नहीं होती, पता नहीं क्या वजह हो सकती है। और ये सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये देखें ये सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है हरम शरीफ की नई, वो पीछे तक सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है माशाल्लाह। इस होटल की एक सबसे मज़ेदार बात मुझे ये भी लगी है कि एक तो ये है ना कि भाई बिल्कुल हरम पाक के नज़दीक, और आप पर्दे शर्दे हटाएं तो सीधी आपकी नज़र हरम पाक पे पड़ती है, और दूसरा बड़ा मज़े की बात ये लगी है कि इसकी जो स्पीकर्स कनेक्ट है ना, या इन्होंने किया हुआ या क्या सीन है, हरम पाक में जब अजान होती है, जब जमात होती है, वो सब यहाँ पे बाकायदा उसके स्पीकर्स लगे हुए हैं। थर्ड फ्लोर पे मस्जिद है, और वहाँ पे आप बाजमात हरम पाक में जो जमात हो रही होती है उसके साथ आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। पूरे होटल में जब यानी हरम पाक में अजान होती है, पूरे होटल में अजान की आवाज़ गूंजती है, स्पीकर्स लगे हुए हैं। फिर आप थर्ड फ्लोर पर जाके, अगर आप हरम पाक में नहीं जा सकते तो आप थर्ड फ्लोर पर चले जाएँ होटल के, और वहाँ पर बाजमात नमाज पढ़ सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छी एक बात लगी है। रूम का नज़ारा जो है मैंने आपको रात को भी दिखा दिया था भाई, ये ज़रा सामान काफ़ी बिखरा शिखरा है, और इस वजह से जो है ना थोड़ा सा रूम गंदा गंदा लग रहा है। ये सब मेरे हुजूर की नात का कमाल है, हमारा तो कोई कमाल ही नहीं है, सरकार ने ख़रीद कर अनमोल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, और लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब हमारा सफ़र है मक्के से मदीने इंशाल्लाह, तो आज के व्लॉग को फिलहाल यहीं पर एंड करते हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें, चैनल पर जो लोग ने हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नुमान भाई ने बैल दिए, वो बाहर ही रह गए थे। चलो तो भाई कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।